मैं अपने सारे पुराने फोन्स कबाड़ी वाले के हाथ सौंप ही चुका था कि तभी मेरे फोन में एक सिस्टम अपडेट का नोटिफिकेशन आया और ये ना ऑफिशियल लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 का अपडेट है जो कि इस 5 साल पुराने फोन में भी सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट इस सीक्रेट ट्रिक से ना मैंने मेरे सारे नए पुराने फोन्स को ना ऑफिशियली लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 में अपडेट कर दिया है, जिससे इन पुराने फोन्स में भी लेटेस्ट एंड्रॉइड अपडेट के सुपर स्मूथ एंड यूनिक यूआई फीचर्स से नई जान आ चुकी है। अब भी बिना किसी कस्टम रिकवरी या रूट वगैरह के झमेले के ना अपने किसी भी नए पुराने एंड्रॉइड फोन को लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 में अपडेट कर सकते हो ऑफिशियली इन जस्ट अ फ्यू क्लिक्स। आपने बस अपने फोन की डेवलपर सेटिंग्स को अनलॉक करके DSU लोडर के ऑप्शन से लेटेस्ट GSI पैकेज को सिलेक्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। दैट्स प्रीटी मच इट। अब आपका फोन ना ऑटोमेटिकली लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 में अपडेट हो जाएगा। ये ना वैसे एक जेनेरिक सिस्टम इमेज है जिसे इंस्टॉल करने के लिए ना आपके फोन के बूट लोडर का अनलॉक होना जरूरी है। सबसे इंटरेस्टिंग बात कि अगर आपको इस अपडेट से रोल बैक करना होना तो बस एक क्लिक में आप बिना डेटा लॉस के अपने प्रीवियस एंड्रॉइड पे जा सकते हो। वैसे डेवलपर ऑप्शंस को इनेबल करने के लिए ना आपको अपने फोन की सेटिंग्स के अबाउट फोन ऑप्शन में जाके बिल्ड नंबर पे 7 से 8 बार टैप करना होता है। अगर आप लोगों को डेवलपर ऑप्शंस की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है ना तो बूट लोडर अनलॉक करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चाहो तो गूगल कर सकते हो। नॉर्मली आप बिना कंप्यूटर फोन से भी ना बूट लोडर को अनलॉक कर सकते हो। इससे रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार चेक कर लेना। इसी के साथ आज की इस फ्रेश न्यू वीडियो में मैं आपके लिए इससे भी धमाकेदार हिडन एप्स एंड सीक्रेट ट्रिक्स लेकर आया हूं। आई नो वीडियो थोड़ी सी लेट है, आप लोग इस घातक सीरीज के नए एपिसोड का कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो भी मैं जानता हूं। वैसे तुम लोग कुछ ज्यादा ही वियर्ड DMs नहीं भेजने लगे हो मुझे? एक तो स्ट्रेट ऑन धमकी दे दी। खैर, सब्र का फल मीठा होता है, आपने सब्र करा, अब मीठा खाने की बारी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, गेट योर एंड्रॉइड रेडी, क्योंकि अब आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। इस एक सीक्रेट ओपन सोर्स ऐप में ना आपको एंड्रॉइड के सारे मॉडेड ऐप्स का खजाना मिल जाएगा। लिटरली इट्स लाइक प्ले स्टोर फ्रॉम चांदनी चौक, जिसमें फ्री मॉडेड ऐप्स की ना पूरी रिपोजिटरी भरी पड़ी है। अब यहाँ डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग ना कोई भी मॉड डाउनलोड करके किसी भी ऐप से एनालिटिक्स, ट्रैकर्स या एड्स को कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हो। और जैसे सोशल या फिर मैसेजिंग ऐप्स को ना आप और भी ज्यादा प्राइवेट बना सकते हो, उसमें फोर्सफुली रीड रिसीट एंड टाइपिंग इंडिकेटर को हाइड करके, या फिर व्यू स्टोरीज अनोनिमसली जैसे कई और ऑप्शंस का यूज करके। और भी कई ऐप में ना आप एक्स्ट्रा सेटिंग्स को अनलॉक करके कई तरह की खुराफात मचा सकते हो। समझदार को इशारा ही काफी है। और सबसे बेस्ट पार्ट कि आप अपने सारे मोड्स को ना इसी ऐप से अपडेट भी कर सकते हो। इट्स रियली अ मस्ट हैव ऐप फॉर एनी एंड्रॉइड पावर यूजर। मेरे फ्रेंड्स हो ना, अब मेरा फोन हाथ में लेने से भी घबराते हैं, क्योंकि मैं अपने फोन को ना बिना टच किए उसे ऐसे सिर्फ अपनी आंखों की मूवमेंट या फेशियल एक्सप्रेशन से ना पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता हूं, वो भी बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के, जहां मैं बस स्माइल करके ना कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करने से लेकर अपनी आंखों को लेफ्ट राइट अप डाउन किसी भी तरफ मूव करके पूरे फोन को स्मूथली ऑपरेट कर सकता हूं। आपने बस अपने फोन की सेटिंग्स में जाके ना स्विच एक्सेस सर्च करके इस फीचर को यहां से सेटअप करते ही ना आपका फोन भी आपके इशारों पे चलने लगेगा, और ये होते देखना आपके आसपास के लोग भी कंप्लीटली हैरान हो जाएंगे। अगर मैं अपने फोन की स्क्रीन लॉक भी कर दूं तब भी मेरे फोन का कैमरा ऑन रहेगा और बैकग्राउंड में सीक्रेटली वीडियोस रिकॉर्ड करता रहेगा। यही नहीं, मैं बिना किसी इंडिकेशन के स्टेल्थ मोड में अपने कैमरा से रिकॉर्डिंग करते हुए पूरे फोन को नॉर्मली यूज कर सकता हूं, और देखने वाले को भनक भी नहीं लगेगी कि मैं एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूं। और ये रिकॉर्डिंग्स ना ऑटोमेटिकली मेरे स्टोरेज के हिडन सेक्शन में सेव हो जाएगी, जिसे सिर्फ मैं ही एक्सेस कर सकता हूं। कुछ सिचुएशन में ये चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम आ सकती है, जिसके लिए ना बस आपको इस फ्री ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। कभी सोचा है कैसा होता अगर आप ChatGPT या फिर गूगल जेमिनाई को अपने डिफॉल्ट कीबोर्ड के अंदर इंटीग्रेट कर पाते? वेल, कीबोर्ड GPT से अब आप ये चीज कर सकते हो। जैसे देखो, अगर मैं अपने कीबोर्ड के किसी भी टेक्स्ट फील्ड में क्वेश्चन मार्क टाइप करके अगर मैं कोई भी कमांड या फिर क्वेश्चन टाइप करके एंटर करूंगा ना, तो उसका रिस्पॉन्स मुझे उस ऐप में दिख जाएगा जो कि मैं अभी यूज कर रहा हूं। यहां से मैं 2 बार क्वेश्चन मार्क टाइप करके ना किसी भी AI प्रोवाइडर्स में स्विच भी कर सकता हूं। यही नहीं, सिर्फ एक एक्सक्लेमेशन पॉइंट और S टाइप करके अगर मैं कोई भी क्वेरी डालता हूं ना, तो यहीं से मैं वेब सर्च भी कर सकता हूं। ये ना आपके किसी भी कीबोर्ड ऐप जैसे कि Gboard, Swift की, Samsung कीबोर्ड या फिर Flexi, सब में काम करेगा। ये बेसिकली एक LS पोस्ट मॉड्यूल है जिसे आपको LS पैच ऐप से ना अपने पसंदीदा कीबोर्ड ऐप में इंजेक्ट करना होता है। LS पैच एंड मॉड इंजेक्शन पे ना मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, उसे देख के ना आप इसे इजीली इंजेक्ट कर सकते हो। उस वीडियो की लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक बार ना मेरे फोन के इन वॉलपेपर्स पे ध्यान दो, क्योंकि ये नॉर्मल स्टैटिक वॉलपेपर की तरह बेसिक नहीं है, बल्कि जब भी मैं अपने फोन को अनलॉक करता हूँ ये डायनामिक वॉलपेपर्स इस तरह से लॉक स्क्रीन से एनिमेट होकर होम स्क्रीन तक यूनिक एनिमेशन में ट्रांसफॉर्म करते हैं, जो कि लिटरली आपके फोन को एक अलग ही लुक देते हैं। ये वॉलपेपर ऐप कंप्लीटली फ्री होने के साथ ही इस तरह के कई सारे एस्थेटिकली ऑसम लुकिंग 3D डायनामिक वॉलपेपर पैक से भरा हुआ है, जहां आप अपने पसंद के वॉलपेपर पैक्स को ना कस्टमाइज करके अपने फोन को बाकियों से काफी ज्यादा कूल एंड यूनिक बना सकते हो। इस वॉलपेपर ऐप को ना मैंने इसके डेवलपर के साथ मिलकर
लिए खुद कस्टमाइज करवाई है, जिसकी फ्री लिंक आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गाइस, अगर अभी तक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है और लग रहा है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, ताकि मुझे भी पता चले कि वीडियो कैसी बनी है एंड कितने लोगों को पसंद आ रही है। और अब तक तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि कॉन्टेंट कितना यूनिक है हमारा, तो कर लो सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ना ऑल पे सेट कर देना। मेरा फ्रेंड ना उसकी फोन की परफॉर्मेंस से फ्रस्ट्रेट होकर उस पर हथौड़ा मारने वाला था कि तभी मैंने उसके फोन में एक हिडन ऑप्शन इनेबल कर दिया, जिससे उसकी फोन की परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पहले जो गेम्स उसके फोन में बिल्कुल अटक अटक के चल रहे थे, अब वही गेम उसी डिवाइस में बिना लैग के बिल्कुल स्मूथ चल रहे हैं। और तो और 3-4 हैवी एप्स में मल्टीटास्किंग करते टाइम सीपीयू की बांसुरी बजने वाले फोन में अब बिना किसी जिटर के ना सेकंड के आधे चौथे हिस्से में एप्स ओपन होकर लोड भी हो जा रहे हैं। ओवरऑल पूरा फोन इतना ज्यादा फास्ट एंड स्नैपी बन गया ना कि मानो प्रोसेसर बिल्कुल कोकेन चाट के काम कर रहा हो। ये फीचर ना फोन की सेटिंग्स में बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है, क्योंकि इसे इनेबल करते ही ना डिवाइस के रिसोर्सेज अपनी पीक एफिशिएंसी तक ओवरक्लॉक करके बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं, जिससे बैटरी ना थोड़ी सी जल्दी ड्रेन हो सकती है। एंड इस तरह की हाई परफॉर्मेंस पे ना डिवाइस का थोड़ा सा हीट अप होना भी ऑब्वियस है, तो फिर मत कहना कि फोन गरम है, गरम है। बस आपने अपने फोन की सेटिंग्स में जाके ना परफॉर्मेंस मोड को सर्च करके इस ऑप्शन को यहाँ से इनेबल कर लेना है। अब डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल ब्रांड्स में ना ये फीचर अलग अलग नाम से मिलेगा, पर ज्यादातर डिवाइसेज में ये ऑप्शन बैटरी सेटिंग्स में ही मिल जाएगा। मेरे फ्रेंड ने ना खुन्नस में आके मेरा पूरा फोन रिमोटली इरेज कर दिया, क्योंकि मेरे पास उसके कुछ ऐसे खतरनाक फोटोज थे ना, जो अगर मैंने उसके बर्थडे स्टोरीज पे डाल दिए होते ना, तो ग्रुप में पूरा हाहाकार मच जाता। और उसे ये नहीं पता कि मैं अपनी कोई भी लॉस्ट या डिलीटेड फोटोज, वीडियोज या फिर किसी भी तरह की फाइल्स को ना इजिली रिकवर कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ वंडरशेयर रिकवरी। इस टूल में जाके आपने बस वो स्टोरेज डिवाइस सिलेक्ट करना है जहां से फाइल्स डिलीट हुई है। मेरे केस में एसडी कार्ड फॉर्मेट हुआ था, तो एसडी कार्ड सिलेक्ट करके स्कैन पे क्लिक करते ही ये टूल अपने 99.5% इम्प्रूव्ड सक्सेस रेट फॉर एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के साथ बहुत ही इजीली मेरे डिलीटेड फाइल्स को रिकवर कर दिया, जिसे मैं यहां से प्रीव्यू करके सेव कर सकता हूं। इनहेंस रिकवरी के साथ ये काफी सारे मेनस्ट्रीम डिवाइसेस जैसे कि DJI, GoPro, Insta360 etc. से भी रिकवरी सपोर्ट करता है। और तो और आप इसके एडवांस्ड वीडियो रिपेयर फीचर से करप्टेड वीडियोस रिपेयर करने के अलावा क्रैश्ड कंप्यूटर या फिर NAS एंड Linux सिस्टम से भी अपना प्रीशियस डेटा आसानी से रिकवर कर सकते हो। फिलहाल इनके स्पेशल लॉन्च ऑफर में ना काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे मैक एंड विंडोज दोनों के लिए ये टूल काफी कम कीमत में मिल रहा है, तो अभी जाके वंडरशेयर रिपेयर इट को चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसके साथ ना इस वीडियो को हमने थोड़ा सा प्रिसाइज्ड मैनर में समाप्त करने की चेष्टा करी है। अगर वीडियो पसंद आई है तो खुले दिल से लाइक करो, जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लो, एंड जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं वो पास में देखो बेल नोटिफिकेशन का आइकन है, उसे ऑल पे सेट कर लेना। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, आई विल कैच यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस।